हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव हर की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है और वो जो कि चाहते क्या है आपसे कि आपके इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, बेटर बनाने के लिए क्या कुछ करें, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, ब्रेसलेट लेना है, तो आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही एक नंबर है हमारा, दूसरा और कोई नंबर नहीं है। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में करंट में क्या चल रहा है। हो सकता है कि कोई शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए गए, फोर ऑफ फैंसी पहले आया है और अपने इमोशंस के साथ, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी की शादी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके आसपास हैं, तो लोगों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि बातों में इनको आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे जैसे कि अपने प्यार को याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। किसी और कपल को देखकर इनको जैसे कि आपकी याद आ रही है, अपने प्यार की याद आ रही हो, जो कि काश मैं भी इसी तरह से शादी कर पाता मेरे प्यार से, अगर कोई मिराकल हो जाता मेरी लाइफ में तो कितना अच्छा होता। करण पे आपके पार्टनर कुछ लोगों के साथ तो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं और क्या निकल के आता है इनकी लाइफ में, करंट में क्या चल रहा है। यस, बर्डन है, अपने फैमिली के साथ गए हैं कहीं पे, ठीक है। अपने फैमिली का बर्डन उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हर एक की ज़रूरत कंप्लीट कर रहे हैं और सब कुछ करने के बावजूद भी खुशियाँ इनके पल्ले नहीं पड़ रही है। सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन हर कोई इन्हीं के जैसा सेल्फिश है, जैसे कि आपके इन्हीं के जैसा सेल्फिश है। जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, करंट में भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर ये आपको दे रहे हैं और इनके इसी बिहेवियर की वजह से इनके घर वालों को भी पता है कि ये पर्सन कैसा है। तो अगर ये ऐसा है तो हम भी वैसे ही है, इस तरह के एनर्जीज है। ज़बरदस्ती का बर्डन इनके ऊपर डालते हैं, अपना काम निकलवाते हैं और इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। कहीं पे चैन नहीं, सुकून नहीं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपके पार्टनर हैं। भीड़ में भी बहुत ज़्यादा अकेलापन इनके अंदर है, नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये रात को सो नहीं पाते हैं, इनको डरावने सपने आते रहते हैं कि शायद ज़िंदगी में अब कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इनके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो कुछ काम हो सकते हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ ज़मीन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। अगर आपके पार्टनर कुछ ऑफिसर टाइप पर्सनालिटी है, डॉक्टर वगैरह ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि कोई केस इनका कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। कोई ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर हो सकता है, वो वकील हो सकते हैं, खुद कुछ भी है, लेकिन कोर्ट में इनके करंट में कुछ काम चल रहे हैं और जो कि इनको इस बात के ऊपर भरोसा है कि जो भी इनका इनके साइड से जो भी केस जा चुका है वो जो कि इन्हीं के साइड से आएगा, इस बात को लेके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। या तो ये चाह रहे हैं कि जो भी इनका काम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, इनको बहुत ज़्यादा आना जाना पड़ रहा है कोर्ट में, तो बहुत जल्दी मतलब मेरा काम हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, इस तरह की एनर्जीज भी बन रही हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इनके लाइफ में करंट में चल क्या रहा है। तो यस, यहाँ पे जैसे कि कुछ काम हो सकता है जिस काम से तंग आ चुके हैं और शायद सामने से इनको ऑफर आया था, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या तो कोई शादी भी हो सकती है। इन्होंने किसी से शादी करी थी, उस पर्सन ने जैसे कि सामने से इनको प्रपोजल आया होगा, उस प्रपोजल से तंग आकर ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उनसे सामने से ऑफर आया था तो उसके ऑफर को ठुकरा कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, उनको देखना नहीं चाहते। अगर कोई जॉब था जो कि सामने से आया था, वहाँ पे जाने के बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी वहाँ पे जॉब कर, जैसे कि वहाँ पे जैसे कि काम स्टार्ट कर, अगर कोई बिजनेस होगा सामने से, जो कि इन्होंने एफर्ट्स लगाए थे, सामने से अगर कोई पार्टनर था इनका, तो उस पार्टनर ने शायद इनको धोखा दिया होगा। कुछ है करंट में जो कि पेंटाकल्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पर्सन जो कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की तैयारी में है, कोई थर्ड पार्टी भी होगी तो उससे भी इनका कुछ पेंटाकल्स के एनर्जी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो कि उस एनर्जी से तंग आकर सैड एनर्जीज में सब कुछ छोड़कर कहीं और निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज के साथ और जो कि कहीं पर निकलते हुए दिखाई दे रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको भाग रहा है अब। यस, करंट में कहीं पर है शादी फंक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे घिरे हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। हम चेक करते हैं इस वक्त ये आपसे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है।
हम चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो कि टावर इन्होंने आपको दिया था, उस टावर के बारे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जो थर्ड पार्टी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लाई थी, जो कि मैंने बोला यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी आई थी तो अपने सेल्फिशनेस के लिए आई थी, और जो कि कुछ लालच इनको दिया गया था, तो उस लालच में मैं तो फंस गया था, जिस वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और जो कि मैंने ये थर्ड पार्टी तेरी लाइफ में लाई। लेकिन मुझे माफ़ कर दे, चाह रहे कि आप इनको माफ़ करो, इस टावर को भूल जाओ, जो गलत इन्होंने आपके साथ किया था वो भूल जाओ। अगर ये आपसे करंट में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, और जैसे कि फोर्सफुली इस थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब जा इसको निकाल दे, उसको हकाल दे, उसको अपनी ज़िंदगी से जैसे कि हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दे, हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों को ही अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो क्यों नहीं, अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो हम क्यों इस थर्ड पार्टी को संभाल रहे हैं। अगर आप करंट पे ऐसी कुछ बातें कर रहे हो तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बार बार थर्ड पार्टी को लेकर आप झगड़ा मत करो, ये यस डेफिनेटली आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, और आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हो, लेकिन करंट में इनको जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ये आपसे वही चाह रहे कि आप ज़िद ना करो, अपनी ज़िद छोड़ो और इनके ऊपर भरोसा रखो। आपके पार्टनर की यही उम्मीद है, आप कंफ्यूज मत रहो, जो कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा रुलाया था, इनको लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हो, जो इन्होंने आपके साथ किया था आप करंट पे वही करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि या तो ये थर्ड पार्टी को निकाल या तो तू मेरे पास मत आ। ये आपके सामने आके अगर रो रहे हो तो आप कह रहे हो कि रोकर कुछ फ़ायदा नहीं है, वैसे भी तू जा चुका है, अब जहाँ पे गया है वहीं पे रहे, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब तो मुझे बहुत सारे प्रपोजल भी आ रहे हैं, और जो कि मेरी बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है। ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको बता रहे हैं कि ये आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप करंट में जैसे कि रिवेंज लोगे, आप करंट पे रिवेंज लोगे, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, इनको ऐसा लगता है, ये चाहते आप माफ़ करो, लेकिन आप इनको माफ़ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप भी इनको वैसे ही रुलाना चाहते हो जैसे इन्होंने आपको रुलाया है। ये डर रहे आपकी इस रिवेंज से, आपकी इस रिवेंज वाली एनर्जी से, और जो कि ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करो कि ये आपके इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। वाह, बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आप सच में आप ऐसी एनर्जीज में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यस, देखते क्या निकल के आता है, करंट में आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, करंट में मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, करंट में मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। आपको 10 of Pentacles से आपका डिसीजन तो यही है कि आपको इनसे शादी करनी है, और जो कि यस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करते रहते हो सकता है कि आप इनको ऐसी एनर्जीज बस दे रहे हो, इनको बस ऐसे दिखा रहे हो कि आप मुआन हो रहे हो ताकि आपकी बात माने, इस तरह से हो सकता है फिर, ठीक है, क्योंकि आपको तो इनसे शादी करनी है, लेकिन आपको हो सकता है कि इनको जलाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि ये जले, ये तरसे, और जो कि इनके अपोजिट जाने का, इनके घर वालों को जैसे कि पीछे छोड़कर आपके पास आने की स्ट्रेंथ इनमें आ जाए, ऐसा कुछ करने के लिए भी आप इनको शायद दिखावा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप तो इनसे शादी करना चाहते हो, आज भी आप इनके साथ अपने फैमिली देखते हो, आप अपने बच्चे देखते हो, इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, एंजल्स इनको करंट में क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स इनको करंट में क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स इनको करंट में क्या बताना चाहते हैं। लव यूर सेल्फ फर्स्ट, यस, आप जो कि इनका इंतज़ार मत करते बैठो, खुद से प्यार करो, ठीक है, खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, अगर ऐसा कर पाते हो तो आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे, रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे, और ये पर्सन और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए। रिट्रीट है यहाँ पे, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पर्सन यहाँ से निकल चुके हैं और आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। पैशनेट बहुत ज़्यादा आपके लिए, ये जैसे कि आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आना चाहते हैं, फिर से पहले जैसा टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को फ्री करो, इस टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। करंट में आप जो एनर्जीज इनको दे रहे हो वे राइट है, आपको वैसे ही करना है, ठीक है, अब अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो,
अब मतलब कि इनके इशारों पे नाचना बंद करो, ठीक है। अब जो कि आप जैसा बोलोगे वैसे इस रिश्ते में होगा, तो ही इस रिश्ते में जाओ। करण पे इन्हें सबको ये बता रहे हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर्स इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कि आप दोनों में से एक अमीर एक गरीब हो सकता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या तो किसी के घर में मतलब मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अच्छी पोजिशन पर काम कर रहे हैं, आपके नहीं कर रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो मतलब आप ही बहुत ज़्यादा कम लेवल पे काम कर रहे हो और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऊँची लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ तो है डिफरेंसेस फाइनेंसेस से रिलेटेड, जो कि ये भी एक इशू हो सकता है कि इनके घर वाले आपको मना कर रहे हैं इस रिश्ते में मतलब कि शादी कराने के लिए आपके पार्टनर से, ये भी चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।